BSNL, इसमें 3G नेटवर्क आ रहे हैं और इसकी स्पीड आप देख सकते हो कि कितनी कम आ रही है। BSNL सस्ता है लेकिन अभी इसकी हालत खस्ता है। मैंने BSNL खरीद कर गलती कर दी। मैं इसको पिछले 20 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा कि ये प्राइस के हिसाब से ठीक है। इसमें 3GH प्लस नेटवर्क आ रहे हैं जो कि 3G का एनहेंस्ड नेटवर्क है। इसका नेट चलता ही नहीं है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम आ रही है। मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि इसकी स्पीड अराउंड 2 से 3 Mbps तक ही आ रही है और इसकी डाउनलोड स्पीड भी 2 से 3 Mbps तक ही है और इसकी अपलोडिंग स्पीड तो बहुत ज़्यादा कम आ रही है, 2 Mbps तक ही आ रही है और कभी कभी तो इसके नेटवर्क बिल्कुल ही चले जाते हैं और 2G हो जाते हैं, नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर मैं इसकी रियल लाइफ में स्पीड टेस्ट करूं तो मैंने इसमें YouTube पर वीडियोस प्ले करी, तो सबसे पहले मैंने 360p पर वीडियोस प्ले करी। तो आप 360p पर वीडियोस प्ले कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मैंने 720p पर स्विच किया तो आप 720p पर भी वीडियोस प्ले कर सकते हो, लेकिन इसमें बीच बीच में बफरिंग होती है और वीडियोस देखने में दिक्कत होती है। फिर मैंने 1080p पर स्विच किया तो आप 1080p पर तो वीडियोस प्ले कर ही नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा बफरिंग होती है। फिर मैंने इसकी डाउनलोडिंग स्पीड चेक की तो इसने एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अराउंड 2 से 2.5 मिनट लिए थे। फिर मैंने इसकी अपलोडिंग स्पीड चेक की तो इसकी अपलोडिंग स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों, BSNL के नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड एरिया पर भी डिपेंड करती है कि आप BSNL को किस जगह पर यूज कर रहे हो, आपके शहर या गांव में BSNL के नेटवर्क कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अभी सभी जगह BSNL के 4G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। BSNL वाले बोल तो रहे हैं कि 2025 तक 4G नेटवर्क हर जगह कर देंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मैंने BSNL की रेडी टू 5G सिम को ट्राई करा, मेरा एक्सपीरियंस BSNL के साथ बिलो एवरेज ही रहा। अगर आप इंटरनेट यूज के हिसाब से BSNL की सिम लेने की सोच रहे हो तो BSNL की इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा कम है और आप उनमें से हो जो 3-4 GB नेट डेली यूज कर लेते हैं, तो आप इससे दूर ही रहो, फिर ये आपके लिए नहीं है क्योंकि इसकी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, 2 से 3 Mbps तक ही आ रही है और इसमें 3G नेटवर्क आ रहे हैं, 4G अभी सभी जगह नहीं आ रहे। लेकिन दोस्तों, ये डिपेंड करता है डिफरेंट लोकेशंस पर कि आपके शहर, गांव या आपके एरिया में नेटवर्क कैसे आ रहे हैं, 3G आ रहे हैं या 4G आ रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ BSNL बढ़िया चल रही है और 4G नेटवर्क आ रहे हैं। तो अगर आप BSNL की सिम को ट्राई करना चाहते हो तो आप एक न्यू सिम लेकर ट्राई कर सकते हो। आप अपनी सिम को BSNL में पोर्ट मत कराना, क्योंकि दोस्तों, जब आप अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करा लोगे और आपके एरिया में BSNL के नेटवर्क सही नहीं होंगे तो आप परेशान हो जाओगे और आप 90 डेज से पहले वापस अपनी सिम को पोर्ट नहीं करवा पाओगे। तो इसीलिए अगर आप BSNL को ट्राई करना चाहते हो तो आप एक न्यू सिम ले लेना, या अगर आपके एरिया या आपके शहर गांव में कोई BSNL की सिम को यूज कर रहा है तो आप देख सकते हो कि BSNL के नेटवर्क कैसे आ रहे हैं और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप पहले से ही BSNL की सिम को यूज कर रहे हो या आपके आसपास कोई BSNL को यूज कर रहा है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि आपके एरिया में नेटवर्क कैसे आ रहे हैं BSNL के।